फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज सोनी फ्रॉम सोनीज कॉर्नर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में इस तरीके से भुने चने बनाने जा रहे हैं, तो चलिए बहुत देर न करते हुए शुरू करते हैं रेसिपी। भुने चने बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कटोरी चने लिए हैं और डेढ़ कटोरी हमने यहाँ पर नमक लिया है। ये हमारा पुराना नमक है, बेकिंग में इसे यूज किया गया है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। गैस के ऊपर हमने कढ़ाई रख दी है, ये मोटे तले की कढ़ाई होनी चाहिए आपकी, और इसके अंदर हम डेढ़ कटोरी नमक ऐड करेंगे। इस नमक को हमें फुल फ्लेम पर बहुत अच्छे से गर्म करना है। नमक हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अभी इसके अंदर हम दो तीन चने पहले डालकर देखेंगे कि ये अच्छे से गर्म हो चुका है कि नहीं। तो ये देखिए, चने हमारे फूटकर तैयार हो गए हैं। अभी हमारा नमक परफेक्ट गर्म है, तो अभी हम इसके अंदर चने डाल सकते हैं। एक एक मुट्ठी करके हमें चने डालने हैं, बहुत ज्यादा चने नहीं ऐड करने। चने डालने के बाद इसको कॉन्टिन्यूसली इस तरीके से हमें हिलाते रहना है और ये एक मिनट में ही ये फूटकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें इसे रोस्ट कर लेना है। तो ये देखिए, ये फूटने शुरू हो गए हैं, ये बहुत जल्दी रोस्ट होकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे से हमारे चने रोस्ट हो गए हैं। अभी हम गैस को स्लो करके छन्नी की सहायता से इसे निकाल लेंगे और बर्तन में इसे डालते जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें सभी चने एक एक मुट्ठी करके भून लेने हैं। अभी हम एक मुट्ठी और डालेंगे। बहुत जल्दी से भूनकर तैयार हो जाते हैं और आपको ये ध्यान रखना है कि नमक जो है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर अच्छे से गर्म नहीं होगा तो चने अच्छे से भुनेंगे नहीं। ये अच्छे से भुन गए हैं, अभी गैस को स्लो कर देंगे और सभी चने को हम छन्नी से निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे हमारे चने रोस्ट होकर तैयार हो गए हैं। बहुत जल्द घर पर तैयार किए जा सकते हैं रोस्टेड चना। नमक को बहुत ही अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद ही हमें चने को भूनना है। अगर हम नमक को अच्छे से गर्म नहीं करेंगे तो हमारे चने जो हैं वो फूटेंगे नहीं। और अगर हमें इसे नमक वाले बनाने हैं तो जब हम इसको रोस्ट करते हैं उसी टाइम हमें इसमें एक पानी का सॉल्यूशन बनाकर रखना है, जिसमें आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक और दो से तीन चम्मच पानी डालकर घोल तैयार कर लेना है। और जब हम इसको भूनेंगे तो उस टाइम एक एक चम्मच करके हमें उसमें डालना है, मिक्स करना है और रोस्ट करना है। उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन वो भी बहुत अच्छे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही जल्दी हमारे रोस्टेड चना घर पर तैयार किए जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको भी ये रेसिपी इजी लगी होगी और ये बहुत ही फेवरेट है बच्चों के। आप जरूर इसे ट्राई कीजिए और अपनी फीडबैक जरूर मुझे दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन। बाय बाय।